लोकसभा में पास हुआ वित्त विधेयक 2023, वीडियो में आपको बताएंगे जो आपको जानना जरूरी है। जब सदन में विधेयक को उठाया जा रहा था, तब कई विपक्षी सदस्य अडानी ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ आरोपों की एक संयुक्त संसदीय समिति की तरफ से जांच की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। गुरुवार को बजट बिना चर्चा के ही पास कर दिया गया। वित्त विधेयक 2023 में संशोधन के अनुसार ऑप्शन की बिक्री पर एसटीटी को 1 करोड़ रुपए के टर्नओवर पर 2100 रुपए कर दिया गया है, जो पहले 1700 रुपए था। मतलब एसटीटी में 23.5% की बढ़ोतरी की गई। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बिक्री पर 10,000 रुपए के टर्नओवर के 1 करोड़ पर एसटीटी को बढ़ाकर 12,500 रुपए कर दिया गया है, जो 25% की बढ़ोतरी है। फाइनेंस बिल 2023 में प्रस्तावित किया गया है कि म्यूचुअल फंड में निवेश जहां भारतीय कंपनियों के इक्विटी शेयर यानी डेट फंड में 35% से ज्यादा का निवेश नहीं किया जाता, उसे अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। यानी डेट फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स और गोल्ड फंड से कैपिटल गेन उनके होल्डिंग पीरियड के बावजूद किसी व्यक्ति के संबंधित टैक्स स्लैब पर टैक्स लगाया जाएगा।